हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड्स के बारे में। सो इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी इज कनेक्टेड टू एन रीजन एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी रीजन, देन इट इज़ कॉल्ड एज रिवर्स बायस। इसका क्या मतलब है कि जो हमने फॉरवर्ड बायस के केस में देखा था, जस्ट उससे ये उल्टा होता है रिवर्स बायस का कंडीशन। तो अगर हमारे पास एक ऐसे पीएन जंक्शन डायोड है, सपोज तो अगर पी जो साइड है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और जो एन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसको हम कहेंगे रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। तो अब जो रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड होता है, इसमें बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल करंट फ्लोस ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बहुत स्मॉल करंट फ्लो करता है। तो देखिए अब क्या होगा, जो पॉजिटिव आपने एन साइड को कनेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे पास चार्ज कैरियर्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं और इधर पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ड्यू टू पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड ऑन द एन साइड द वोल्टेज अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो अब क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस साइड पे अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। सिमिलरली इसी तरह ये जो होल्स हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज के हैं, ये इधर की साइड अट्रैक्ट होना शुरू होंगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो चार्ज कैरियर्स हैं दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। सो हेयर यू कैन राइट चार्ज कैरियर्स मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। और इसकी वजह से, इस चार्ज कैरियर्स के जंक्शन से दूर जाने की वजह से जो डिप्लीशन लेयर है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती है और वो करंट के फ्लो को रोकती है। तो अब जो इसकी जो डिप्लीशन रीजन बनेगा, जो डिप्लीशन लेयर बनेगा इसका रिवर्स बायस के केस में, अगर आप बनाते हो तो वो देखोगे आप बहुत ज़्यादा वाइड होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें ये जो डिप्लीशन लेयर है यहाँ का, ये पूरा एक डिप्लीशन रीजन है इसका, ये बहुत ज़्यादा ही वाइड है, दिस इज़ वाइड डिप्लीशन रीजन। और इस वाइड डिप्लीशन रीजन की वजह से जो करंट है वो फ्लो होने से प्रिवेंट होता है, रुकता है, और इसलिए हम कहते हैं इसमें कि वेरी स्मॉल करंट फ्लोस ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब देखिए आगे होता क्या है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से भी करंट कैसे फ्लो होता है इसमें। व्हेन द रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड अ वैल्यू कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। अगर मैं रिवर्स वोल्टेज को, इसको अगर मैं कहता हूँ वी आर, इफ वी आर इज इंक्रीज्ड सो मच सच दैट इट क्रॉसिस द ब्रेकडाउन वोल्टेज और इट ओवरकम्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, देन रिवर्स करंट इंक्रीजेस सडनली। तो एकदम से जो रिवर्स करंट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो एक बार दोबारा से बोल देता हूँ, मैं आपको इसको समझा देता हूँ। अगर रिवर्स वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं और उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज से भी ज़्यादा कर देते हैं, तो रिवर्स करंट एकदम से इंक्रीज होना शुरू होता है और इस वक्त जो आपका डायोड है वो एकदम से ज़ीरो रेजिस्टेंस को शो करता है। तो इस पॉइंट को, इस ब्रेकडाउन को
हम कहते हैं एवलांश ब्रेकडाउन, एंड इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट अ रिवर्स वोल्टेज ऑफ अबाउट इज अबाउट 25 वोल्ट, द एक्सेसिव हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज द जंक्शन परमानेंटली। तो जो रिवर्स वोल्टेज होती है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है नॉर्मली, उसको जब हम क्रॉस करते हैं रिवर्स वोल्टेज से, तो एट 25 वोल्ट्स द एक्सेसिव हीट और एक्सेसिव टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज द जंक्शन कम्प्लीटली। अब अगर जंक्शन ही नहीं रहा तो कोई पीएन आपका डिप्लीशन रीजन नहीं रहा, इसकी वजह से जो रिवर्स करंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो अगर मैं इसका कर्व आपको दिखाता हूँ, तो कर्व इसका कैसे बनता है, कुछ इस तरह से इसका कर्व होता है। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे तो आपका है रिवर्स वोल्टेज, और इस एक्सिस पे हमारा होता है रिवर्स करंट। एक पॉइंट तक तो ये जो करंट की वैल्यू है ये ऑलमोस्ट जीरो रहती है, बट जैसे ही आपका जो रिवर्स जो वोल्टेज आपने जो लगाया हुआ एक्सटर्नल वोल्टेज, वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से इंक्रीज करता है, एकदम से आप देखेंगे कि करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, रिवर्स करंट। और ये वाला जो रीजन है आपका, ये वाला रीजन आपका कहलाता है ब्रेकडाउन रीजन। तो दिस रीजन इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन रीजन, और इस रीजन में जो आपका डायोड है वो जीरो रेजिस्टेंस शो करता है, कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं करता, तो एक बहुत ज़्यादा हाई करंट आपका फ्लो करता है इस केस में। तो एक बार मैं एवलांश ब्रेकडाउन का आपको थ्योरी लिख देता हूँ, और उसके बाद दोबारा से वीडियो पे वापस आते हैं। तो ये इसकी थ्योरी है जो मैंने लिख दी है यहाँ पे एवलांश ब्रेकडाउन की। इट सेज व्हेन रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज बियॉन्ड ए पॉइंट कॉल बियॉन्ड ए वैल्यू कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, द रिवर्स करंट इंक्रीज सडनली एंड शार्पली एंड डायोड शोज ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस। इट इज नोन एज एवलांश ब्रेकडाउन एंड इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एट रिवर्स वोल्टेज अबाउट 25 वोल्ट द एक्सेसिव हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज द जंक्शन परमानेंटली। So this is about the reverse bias PN junction diode, where in which the P type material is connected to the negative terminal and N side is connected to the positive terminal. And we have also seen about how a reverse current is flown and what is avalanche breakdown. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.